सब्सक्राइब करें शर्मा सोफ चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का नए फ्रेश वीडियो में। आज मैं ले गया बहुत सारी नई शर्मा सोफ शर्मा न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले न्यूज है यहाँ पैनासोनिक इलोका की तरफ से रेप 550 लॉन्च होने वाला है इंडिया में। 18.9 रेशियो में होगा ये। इसके कुछ प्राइसिंग अभी बताई है 8999। 5 अप्रैल को होगा ये लॉन्च। कलर ऑप्शन होगा इसके ब्लू, ब्लैक, गोल्ड और जो एंड्रॉयड वर्जन उसमें अभी नोगट बताया है। बाकी मीडियाटेक का प्रोसेसर, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और एक्सपेंडेबल स्टोरेज मतलब मेमोरी कार्ड वगैरह भी आप लगा सकते हैं 128 GB तक का। और अगर बात करें बैटरी की, बैटरी इसकी है 3250 mAh बैटरी और 13 MP का इसका फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा होगा। फ्रंट कैमरा इसका 8 MP का। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, कब आता है ये। 5 अप्रैल को कहा है लॉन्च होगा। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा, हाथ में आएगा तो ही पता चलेगा। आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगली न्यूज़ आ रही है मैक की तरफ से, एप्पल की तरफ से। एप्पल में जो मैक यूज़र, आई मैक वगैरह और लैपटॉप्स वगैरह थे इसके, उसमें अब ये कह रहा है कि इंटेल की जगह लेके आएगा अपनी कुछ प्रोसेसर। मतलब देखते क्या लाता है, क्या अलग करके लाता है ये इस बार। मतलब कह रहा है कि अपने प्रोसेसर यूज़ करेगी इंटेल नहीं, तो देखते हैं। मतलब कुछ अलग ही होगा इस बार। 2020 या 19 तक आपको दिख जाएगा कोई ऐसा लैपटॉप जो एप्पल की खुद का प्रोसेसर का होगा। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है इसके में मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अभी आ रही है हुआवे की तरफ से, हुआवे का एक नया फ़ोन आने वाला है 7A। चाइना में हो गया लॉन्च। 2 वेरियंट के साथ 2 GB 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब दोनों वेरियंट होएगा इसके और 32 GB स्टोरेज होगी। 18:9 रेशियो जो चल रहा है। स्नैपड्रैगन 4 प्रोसेसर के साथ आया है ये। 13.2 MP का बैक कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा। बाकी देखते हैं क्या रहता है। आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियो अपडेट के साथ आएगा ये। बाकी मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर 256 GB तक का। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, मुझे जो होता है कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तभी आ रहा है नोकिया की तरफ से, नोकिया 9 आने वाला है बहुत जल्द ही। उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह पता चली है अभी। 18:9 रेशियो में आएगा ये, मतलब इस बार भी चलोगा। 3 कैमरे हैं इसमें, हाँ जी, बैक में 3 कैमरे, एक 41 MP प्लस 20 MP प्लस 9.7 MP, मतलब कुछ अलग ही है इस बार। 3 कैमरे कुछ इस बार अलग ही ले गया। स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो फ्रंट कैमरा वो 21 MP का, 3900 mAh बैटरी है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज, 8 GB रैम और आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं ओरियो के साथ आएगा। बाकी देखते हैं प्राइसिंग क्या रहते हैं ये, मतलब क्या पता ये कुछ अलग करे नोकिया को। तो एसर की तरफ से, एसर अपने लेके आना है नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप, हेक्सा कोर इंटेल प्रोसेसर के साथ, मतलब और एनवीडिया का होगा इसमें, होगा GeForce GTX 1050 IT ग्राफिक कार्ड। मतलब अभी कुछ अगर प्राइसिंग देखी जाए तो प्राइसिंग इसकी काफ़ी मतलब ठीक है, 48 या 50 के अराउंड कुछ प्राइसिंग बताई है। इसके वेरिएंट बड़े सारे आएंगे, जो मेन वेरिएंट है वो i7 प्रोसेसर के साथ आएगा। बाकी जो देखते हैं क्या रहता है, मतलब DDR4 रैम होगी और SSD होगी इसके अंदर, क्योंकि जो मेन इसकी पावर होगी वो SSD पे बेस होगी। और जो दूसरा 8 GB रैम के साथ आएगा, और बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। जब इंडिया में आएगा तभी पता चलेगा इसके बारे में अच्छे से, और जब आप में होगा तभी हम बता सकते हैं कि क्या होगा इसके फीचर्स। तो अगली न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से, गूगल लेके आने वाला है अपना गूगल होम, मतलब जैसे एलेक्सा वगैरह थे, अब ये भी लेके आना है अपना असिस्टेंट खुद का गूगल होम मिनी। तो देखते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करेगा इसको 10 अप्रैल को। बाकी देखते हैं मतलब क्या क्या इसमें होगा अलग, क्या नया लेके
सकती हैं, गूगल डिवाइस वगैरह पूरा क्या क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी कुछ प्राइसिंग इसके बताइए, 32 या 34 के अराउंड होगा ये इंडिया में। बाकी देखते हैं कब आएगा, कैसा रहता है, तभी पता चलेगा जब आएगा, देखते हैं कैसा रहता है। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अभी आ रही है वन प्लस सिक्स की तरफ से, वन प्लस सिक्स मतलब हो गया कंफर्म कि आएगा बहुत जल्द ही। मतलब ये स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर अभी तक का हाईएस्ट प्रोसेसर होगा, जो मतलब जो S9 वगैरह में आपको दिखा है वही प्रोसेसर, और एंड्रॉयड वर्जन ओरियो के साथ आएगा ये। मेरे ख्याल से ये स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन होगा पहले इसके फ़ोन जैसे ही। बाकी प्राइसिंग इसकी अभी तक तो ये पता चली है कि प्राइसिंग इसकी 39 से लेके 40 के बीच में होगी। बाकी देखते हैं मतलब क्या रहती है क्या नहीं। मतलब जो पहला वेरिएंट वो बताया 34 या 35, दूसरा वेरिएंट जो 128 GB वाला होगा वो होगा इसका 39 या 40, जो तीसरा वेरिएंट होगा वो इसका होगा 45 या 46, तो 256 GB का होगा। बाकी देखते कैसा रहता है, मतलब आगे से टॉप नोच और पीछे से डुअल कैमरा पूरी मतलब एक्स की थोड़ी बहुत कॉपी होगी, तो देखते क्या रहता है फ़ोन। मुझे जरूर बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में। चलिए अगली आ रही है MIS की तरफ से, MIS GS65। मतलब ये अपना एक और गेमिंग लैपटॉप लेके आया है, इंडिया में लॉन्च होगा अभी कुछ कह रहे हैं। बाकी इसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई बताई है, मतलब GT75 टाइटन एडिशन जो है उसकी 169,000, और जो दूसरा मेन वेरिएंट कह रहे हैं इसका 299,000, मतलब 300,000 के अराउंड ही पड़ गया। इसके प्रोसेसर कुछ बताया कि i9 प्रोसेसर होगा इसमें जब आएगा ये, और 8th generation। बाकी ग्राफिक कार्ड वगैरह तो होगा ही होगा, NVIDIA का GeForce GTX 1070, और बाकी देखते क्या रहता है और हाई क्या रहता है इसमें जब आएगा तभी पता चलेगा। अभी कुछ पता चलेगा, अभी फ्लिपकार्ट पे आएगा ये लॉन्च होगा, तो बाकी देखते क्या रहता है। मुझे जो बताया कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। ट्रेनिंग आ रही है यहाँ MI फैन फेस्टिवल 5 अप्रैल को होगा ये, कई सारे प्रोडक्ट पे आपको मिलेगा काफ़ी भारी मतलब डिस्काउंट आपको मिल सकता है। 2 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था ये, और मतलब 4 अप्रैल तक चलेगी इसकी। कुछ आप इनवाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं प्रोडक्ट्स पे अपने, मतलब जाइए और ट्राई कीजिए और बताएं मुझे आपको अगर अच्छा लगा या आप यहाँ पार्ट ले रहे हो। आप कुछ भी मतलब फ़ोन वगैरह जीत सकते हैं, क्या डिस्काउंट कोई पा सकते हैं, या कुछ भी जो आपको पसंद हो वो जाके वहाँ अप्लाई कीजिए। 5 अप्रैल को आप 5 या 6 अप्रैल को आपको मिल जाएगा इसके जो भी होंगे रिजल्ट्स, और 4 अप्रैल तक आपके हैं वो पार्टिसिपेट लेने के लिए। वो बाकी कॉम्बोज वगैरह जो निकलेंगे वो 5 अप्रैल को 1 PM के बाद निकलेगा। बाकी देखते क्या रहता है और इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को पास चलती है आपको जरूर बताऊँगा इसके बारे में। तो आज के लिए अगले बार मिलेगा और अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज़ और अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलता हूँ मैं, अगली बार लेके आऊँ कुछ अच्छी वीडियो। टाटा।